हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर लॉग। मेरा नाम है धवल पटेल और आप लोग देख रहे हैं यालनी ट्रैवलर। तो अभी हम लोग जो काठियावाड़ सीरीज को शूट कर रहे हैं, आज है उसका आठवां दिन। और राइट नाउ अभी मैं खड़ा हुआ हूँ दीव फोर्ट के बैक साइड में। देख सकते हैं मेरे पीछे दीव फोर्ट है और यहाँ पर समंदर है। तो आज का जो हमारा प्लान है कुछ इस तरीके से है, मैं दीव फोर्ट से नागवा बीच तक बाइक लेके जाने वाला हूँ और बीच में जो जो भी स्पॉट आएगा घूमने लायक वो सारे कवर करते हुए आप लोगों को नागवा बीच दिखाऊंगा। और उसके बाद नागवा बीच के आगे का प्रोग्राम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो हम नागवा बीच घूमने के लिए जा रहे हैं दीव फोर्ट से लेके, तो उसके लिए मैंने एक बाइक रेंट कर ली है। और जो बाइक है, बाइक का किराया है 400 रुपये सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। तो चलिए अभी हम निकलते हैं हमारा पहला स्पॉट विजिट करने के लिए। पहले स्पॉट पे आ चुका हूँ और ये जो पहला स्पॉट है उसका नाम है हेरिटेज वॉक पे। आगे सेंट पॉल चर्च भी आया था लेकिन वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखा दिया था, तो वहाँ पर इस बार मैं खड़ा नहीं रहा हूँ। और चलिए अभी मैं आपको हेरिटेज वॉक पे है वो अच्छे से दिखाता हूँ और यहाँ पर क्या क्या है मुझे भी नहीं मालूम, अंदर जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। तो हेरिटेज वॉक पे कुछ इस तरीके से है, बीच में छोटा सा गेट है और लास्ट में उधर वो ख़त्म हो रहा है। अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर से देखते हैं कैसे कैसे व्यूज़ और नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। अभी मैं इस वॉकवे के ऊपर आ चुका हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमें वॉकवे के ऊपर से नज़ारा देखने को मिलता है। चलिए ठीक से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये एक छोटा सा मंदिर है जो एग्जैक्टली आपको सीढ़ियों पर ही मिल जाएगा। और अभी सामने जो आपको कार दिख रही है वहाँ से मैं आपको नीचे से ऊपर के नज़ारे दिखा रहा था। और इस तरीके से सीढ़ियाँ है और यहाँ पर आपको एक पैसेज मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। वो जो ये छोटा वाला यहाँ आपको बीच दिखता है, पीछे हमको वो जो दिख रहा है उधर वो है सेंट पॉल चर्च। और जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आप लोगों को वो बिल्डिंग है, वो क्या बोलते हैं वो बिल्डिंग, सर्किट हाउस है। चलते हैं इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला इधर है और कुछ नीचे के नज़ारे हमें ऐसे देखने को मिलता है। और ये कोई पुरानी बिल्डिंग लग रही है मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अंदर क्या क्या है देखते हैं। इस तरीके से हमें छोटा सा वॉकवे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये वो सामने कार निकल रही है, अभी ये सड़क आ गई। और जो ये हेरिटेज वॉकवे है इसकी हाइट की बात करूँ तो शायद 40 या 50 फीट के आसपास होगी सड़क से। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हमें नीचे की ओर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो वॉकवे है अभी मैं काफ़ी अंदर की ओर आ चुका हूँ, सामने समंदर की ओर से हमने चालू किया था चलना। और चलते चलते हम यहाँ अभी इस पॉइंट पे आ चुके हैं और भी ये सीधा जा रहा है। सामने एक और गोल वो गुंबद है, उसके बाद एक ऊपर वाला है आपको दिख सकता है वो पानी का टंका है। तो इस तरीके से ये वॉकवे होते होते हमें बस स्टैंड तक बाहर निकालता है। तो चलिए अभी वापस हम चलते हैं अपनी बाइक की ओर। और जो ये वॉकवे है उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो शायद 1600 साल पुराना फोर्ट के साथ ही ये बना होगा। और यहाँ पर कोई भी डिटेल लगाई हुई नहीं है इस वॉकवे के बारे में। तो दोस्तों इस वॉकवे की हिस्ट्री के बारे में आपको मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की नहीं गई है।
तो हर जगह पे जैसे हम एंटर करते हैं तो कहीं पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि शायद मेरे अंदाजे के हिसाब से ये भी 1600 साल पुराना ही होगा, क्योंकि जो फोर्ट की दीवार बस स्टैंड से शुरू होती है तो शायद यहाँ पर आके ख़त्म होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये फोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसी के जैसा दिख रहा है। तो मैं भी शायद ये 1600 साल पुराना होगा। तो चलिए अभी ये स्पॉट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, हम निकलते हैं आगे दूसरे स्पॉट की तरफ।